जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने 1947 में ही घोषणा करते हुए कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है। सीएम योगी ने आगे कहा कि जब आध्यात्मिक जगत में किसी का वास्तविक स्वरूप है ही नहीं, तो उसको नष्ट ही होना है। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरी कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की, ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे, और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए, हमें मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा, हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा।